हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे गेहूं के आटे के मालपुए बनाना। उसके लिए मैंने गुड़ लिया है, गेहूं का आटा, सौंफ और पानी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम गुड़ को घोल कर रख देंगे। तो गुड़ में पानी डाल दीजिए आप लोग। तो देखिए आप लोग, ये हमारा गुड़ बिल्कुल घुल चुका है और ये बिल्कुल देखिए कितना अच्छा तरह घुल चुका है। अब इसको छान लेंगे हम इस तरीके से। आप इसको छान लीजिए अच्छी तरह से। अब इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके आटा डालें। देखिए आप लोग, ये आटा कितनी अच्छी तरह से घुल गया है। आपको भी ऐसे ही घोलना है और इस आटे को थोड़ा नरम ही रखें, ज़्यादा नरम नहीं रखना। ये देखिए, अब आप इसमें सौंफ डाल दीजिए और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अब इस आटे को 15 से 20 मिनट तक सेट होने के लिए हम रख देंगे। फ्रेंड्स, हमारा आटा सेट हो चुका है। अब हम पुए बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। उसके लिए मैंने तेल लिया है। आप तवा गर्म कर लीजिए पहले, फिर तेल डालिए। तेल डालकर आप आटा डालिए। आपको ये पीपल का पत्ता लेना है, उससे अच्छी तरह फैल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये एक तरफ से सिक चुका है। अब हम इसको पलट देंगे। आपको तेल ज़्यादा कम नहीं डालना है, नहीं तो आपका पुआ तवे पे चिपक जाएगा। ये देखिए, ये एक तरफ से कितनी अच्छी तरह सिक चुका है। अब आपको दूसरी तरफ से सेकना है। आप इस पे थोड़ा थोड़ा तेल लगा दें, ऐसे ऐसे तेल डाल दें थोड़ा थोड़ा। अब इसको थोड़ा सा सेकिए, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अभी हमारा पुआ बिल्कुल अच्छी तरह सिक चुका है। अब हम इसको तवे पे से उतार देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सारे पुए बनकर रेडी हो चुके हैं। आपको इसी तरह से ऐसे ही बनाने हैं। थैंक यू सो मच।